सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी चैनल को और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। गाइस जब हम सम करते हैं तो किसी भी क्राइटेरिया पे किसी रेंज पे हम आसानी से सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमने कुछ टेक्स्ट कुछ नंबर्स हाईलाइट कर लिए हैं किसी कलर से, स्पेशल कलर्स हमने उस पर डाल रखे हैं और हमने अब उनको सम करना है उन कलर के हिसाब से, तो शायद हम ऐसा क्राइटेरिया ना लगा पाएंगे कि कहीं कहीं से अगर हमने अलग अलग कलर के हिसाब से उनको सम करना है तो किस प्रकार करेंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि सम बाय कलर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल, आइए सीखते हैं। तो गाइज इस तरह से आपके पास कोई टेबल है जिसमें आपने कुछ कलर मेंशन किए हुए हैं और आप ये जोड़ के देखना चाहें कि आपने सिर्फ येलो कलर का जोड़ करना है या रेड कलर के बॉक्सिंग में जो वैल्यू लिखी है उनका जोड़ करना है। वो आप एक रेंज भी ले सकते हैं या फिर एक पूरी टेबल वाली रेंज भी ले सकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार आपने जोड़ना है। इस स्थिति में अगर हम सम करेंगे तो देखो हमें काफ़ी परेशानी हो सकती है। हम सम इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं उस नाम के हिसाब से या फिर कोई एम्प्लॉय आईडी रखी हुई है तो उस हिसाब से, लेकिन अगर हमारे पास मैच करने के लिए किसी प्रकार से डाटा है ही नहीं और हमने फिर उनमें कहीं कहीं जोड़ना है तो हम कलर डाल लें और कलर के हिसाब से उनको जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा, एक वीबीए का कोड। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, दो कोड लिखे हुए हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ से नोट करना चाहें तो स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एक कोड उठा लेता हूँ, मैं यहाँ से ये वाला कोड उठा लेता हूँ जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ कहाँ पेस्ट करना है हमने, आपको नज़र आएगा यहाँ पे डेवलपर टैब, ठीक है। और यदि डेवलपर टैब आपके पास नहीं है तो हम डेवलपर टैब को किस प्रकार चालू करेंगे, इस पे भी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, लगभग आप हमारे वीडियो देखेंगे या हमारे रेगुलर आप व्यूअर हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम डेवलपर टैब किस प्रकार चलाएंगे। यदि नहीं ऑन करना चाहते हैं, देखो डेवलपर टैब में यहाँ पे मिलेगा आपको वीडियो बेसिक, अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ अपने कीबोर्ड से F11 दबाएं, मैं दबाऊंगा ऑल्ट के साथ F11 तो एक विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाएं इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट में आपको मिलेगा मॉड्यूल्स, ठीक है, तो एक मॉड्यूल की विंडो आपके पास ओपन हो गई और जो कोड आपने कॉपी किया है वो यहाँ पे कर दें पेस्ट, बस अब आपने कुछ नहीं करना है, इस कोड को नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा लगाया हुआ मैंने देखो फंक्शन, फंक्शन के अंदर मैंने दिया यहाँ पे सम कलर, यानी कि ये हमारा फंक्शन का नाम हो जाएगा, और दो तर्क यहाँ पे दिए हुए हैं, एक तो रेंज और एक सम रेंज, यानी कि जो रेंज हम लेंगे कौन सा कलर जोड़ना है वो, और सम रेंज उस क्राइटेरिया में उस टेबल के अंदर जहाँ से हमने वो जोड़ना है। तो पहली लाइन में तो हो गया हमारे आर्गुमेंट, दूसरा आ जाता है हमने उसकी रेंज डिफाइन करनी है कि डिम सेल एज रेंज, फिर डिम माई कलर एज लॉन्ग, फिर जो हम अपना कलर चुन रहे हैं जो माई कलर है वो इज इक्वल टू किसके बराबर हो, वो मैच कलर डॉट सेल, यानी कि उस सेल के अंदर जो कलर होगा उससे मैच करेगा हमारा कलर, रो और कॉलम यानी कि उसी कॉलम और उसी रो के अनुसार पूरे इंटीरियर का डॉट कलर्स। तो इस प्रकार हमने कोड लिख लिया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव ना भी करता हूँ तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो फॉर्मूला जो सम कलर से हमने वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे काम करता है या नहीं करता है। इधर मैं करूँगा इज इक्वल टू और जो फॉर्मूला हमने वहाँ पे कोड में लिखा था वो था सम कलर सी ओ, देखो ये आ गया ना यहाँ पे सी ओ एल ओ आर, या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लें या आप पूरा लिख दें और ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। रेंज हमारा कलर किससे मैच होगा, इससे मैच होगा, ओके, कोमा यूज करेंगे और अरे टेबल अरे के अंदर हमारे पूरा हम ये सेल ये वाला कॉलम लेना चाहें या पूरी टेबल लेना चाहें तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, बस इतना ही करना है। इसको हम चाहें तो लॉक कर सकते हैं, लॉक कर लेंगे, उसके लिए करेंगे F4 की यूज़ और हमारा ये क्राइटेरिया पूरा लॉक हो जाएगा, पूरी रेंज लॉक हो जाएगी, ब्रैकेट बंद कर लेंगे और एंटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो सम दिखा रहा है ये किसका सम दिखा रहा है, ये जो भी ग्रीन कलर में थे, है ना, हम देखें ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, एक कंट्रोल के साथ दो तीन और चार ग्रीन कलर थे, उन चारों का सम यहाँ पे आप नीचे देखोगे स्टेटस बार के ऊपर तो सम दिखा रहा है 13,770 जो कि यहाँ भी सही आ गया, ओके। इसको मैं कर लेता हूँ नीचे तक ड्रैग,
सभी का सम हो गया। अब कहीं भी हम और कलर जोड़ना चाहें, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कलर जोड़ना है और यहाँ पे मैं कर दूँ रेड, रेड का फिलहाल आ रहा है 26,970, ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ इसका, मैं यहाँ पे कर दिया मैंने रेड कलर, तो रेड कर दिया। उसके बाद भी देखो 26,970 ही दिखा रहा है, ये अपडेट नहीं हो रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और F9 की दबाएंगे तो ये अपडेट हो जाएगा फॉर्मूला जो भी था, ये अपडेट हो गया और जुड़ गया, है ना। अब इसके अलावा अगर हमने कोई और नया कलर ले लिया, हमने ये सेल और ये सेल, इन तीनों सेल्स का कलर मान लो हम यहाँ पे डाल देते हैं स्काई ब्लू, ठीक है, ये कलर डाल दिया हमने, और एक और कलर बॉक्स ले लें इसमें भी हम स्काई ब्लू डाल दें, और अब यहाँ पे हम करेंगे वही, इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक इस फॉर्मूले को, कंप्लीट, ये लो अब ये इनका सम यहाँ पे आ गया। या फिर किसी और को हम यहाँ से ये दो ग्रीन कलर कर देते हैं स्काई में, हो गए। अब देखो एक तो ग्रीन भी चेंज नहीं हुआ और स्काई भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या करेंगे फिर से कंट्रोल ऑल्ट और F9 दबाएंगे तो ये अपडेट हो जाएंगे, ये उनका कंप्लीट सम दिखा देगा। ये तो था सिंपली सम का। यदि हमने सम इफ का या काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना है, कलर के ऊपर हम कलर्स में काउंट इफ करेंगे या कलर्स के हिसाब से हम उसको सम इफ करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।